अरे घोड़ा कद्दू, ये लड़की तुमको बहुत मस्त लग रही है। लगता है इस बार हमारा रिश्ता हो जाएगा इसके साथ। तुमको कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? अरे काला कद्दू, लड़की तो हमको भी बहुत मस्त लग रही है। हम तो सोच रहे इसको तुम्हारी भाभी बना ले, लेकिन पापा तुम्हारा रिश्ता लेके यहाँ पे आए हैं। तुम ये बताओ, तुम तो सपना से प्यार करता है ना, तो फिर यहाँ रिश्ता देखने क्यों आया है? तुम पापा को बोलो ना, मेरा बात चलाए। अरे चुप रहो तुम, अपने बड़े भाई की होने वाली पत्नी पर तुम नजर रखता है, हरामखोर। और रहा बात सपना का, तो उससे तो हम शादी करेंगे। ये लड़की से हम शादी करेंगे, काय करेंगे पता है? इसका बाप हमको बहुत दहेज देगा, और लड़की भी सुंदर है, और हम लोग का घर तो जानते ही हो, पापा को तो जानते ही हो ना कैसे स्वभाव के हैं। एक साल से ज्यादा टिकेगी नहीं, शादी भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, फिर डिवोर्स वोर्स ले लेगी, फिर सपना से शादी कर लेंगे, फिर उसका बाप से भी पैसा लेंगे, साला पैसा भी कमाएंगे, और दो दो शादी भी करेंगे, एक ही जीवन में दो शादी। ऐसे भी आजकल के कद्दूपुर के लड़के लोग ज्यादा टिकती कहाँ है, बहुत नकराज हो गया है। एक साल से ज्यादा देखना टिकेगी नहीं। एक काम करना, हम जब डिवोर्स दे देंगे ना तो तुम शादी कर लेना। अरे तुम काला कलूठा, लड़की का जीवन खराब करेगा, एक साल में उसको डिवोर्स दे देगा, उससे अच्छा हमसे शादी करवा दो, हम जीवन भर का गारंटी लेंगे। हमको लड़की बहुत पसंद है, पापा से बोल दो गोरा कद्दू रेडी है, शादी कर लेगा। और तुम देख लेना, लड़की भी मना नहीं करेगी, लड़की को हम पसंद आएंगे, क्योंकि हम तो तुमसे ज्यादा दिखने में सुंदर लगते हैं ना। अरे तुम चुप रहो पगलेट कहीं का, हम बड़ा हम शादी करेंगे पहले, तुम बाद में करना। अरे पागल साहब, क्या बकबक कर रहे हैं तुम लोग को तमीज नहीं है? देख रहा है कि लड़की देखने आए हैं, ओझा खानदान वाला है ये लोग, ज्यादा जोर जोर से बकबक मत करो, पता नहीं क्या क्या बहस कर रहा है तुम लोग तब से। अरे भाई साहब क्या हुआ, क्या समझा रहे हो अपना लड़का लोग को? अरे कुछ नहीं भाई साहब, बच्चा थोड़ा शर्मा रहा है, वही बोले शर्माने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। अरे चेहरा देख के तो लग नहीं रहा है कि ये लोग शर्मा रहा है, देखने में तो लड़का लोग एकदम हमको स्टाइलिश लग रहा है। लड़का लोग लड़की देखने सूट पैंट पहन के आता है, ये लोग कच्छा में ही आ गया है, इससे ज्यादा मॉडर्न ये लोग क्या बन के दिखाएगा, फ्रैंक है आपका बचुआ लोग तो, और इससे ऊपर तो ये लोग ना दिखा पाएगा और ना हम देख पाएंगे, तो कच्छा ही ठीक है। क्या रे बाबू, विदेश विदेश में रह के आए हो क्या तुम दोनों, जो अंडरवियर में आए हो लड़की देखने? अरे चचा ये कच्छा नहीं है, निक्कर है हमारा। अरे तुम्हारा बात तुमको उल्लू बनाया है, तुमको निक्कर बोल के कच्चा दिला दिया है, निक्कर जो होता है ना घुटना तक आता है, तुम्हारा ही कच्चा ही है, तुमको वहम है। ये तो शुक्र करो तुम अपना बाप को कच्चा दिलाने के लिए नहीं बोले, नहीं तो पता नहीं तुम लोग को क्या दिला देता। अरे पापा के चक्कर में हम लोग का बेइज्जती हो रहा है, हम लोग को छोटा छोटा कच्चा दिला के दिए निक्कर बोल के, हंस रहा है ये हम लोग के ऊपर, हम बेकार ही आ गए ना यहाँ पे। काला कद्दू तो मेरा रिश्ता का बात चला नहीं रहा लड़की से, और अपना बेइज्जती भी हो रहा है। अच्छा बेटा काला कद्दू, ये बताओ तुम करते क्या हो? अरे चचा हम ऐसा काम करते हैं ना जो आप कभी करते ही नहीं होंगे। अरे ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करते हैं वो तुम करते हो? अरे चचा टाइम पास आप नहीं ना करते होंगे टाइम पास, काहे कि आपके पास तो काम होगा ना, हमारे पास साला कोई काम ही नहीं है, इसीलिए पूरा दिन टाइम पास करते हैं। अच्छा अच्छा हम समझ गए, मतलब तुम अभी कोई काम नहीं करते हो, तो भविष्य के बारे में नहीं सोचे हो बेटा? देखिए चचा उसी को सोच कर तो हम आपके पास आए हैं, काहे कि आपके पास आए हैं, आप अपना बचिया काम से शादी कराइएगा तो आपका बचिया का भी भविष्य बनेगा, और उसके साथ साथ मेरा भी भविष्य बन जाएगा। काहे कि चचा आज से पहले तो हम कुछ सोचते ही नहीं थे, काहे कि टाइम पास करते थे ना, अब टाइम पास नहीं करेंगे, एक बार शादी करा दीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे चलेगा, हम तो तुमको दहेज देंगे उसका तुम टेंशन नहीं रखो, लेकिन तुमको अपने भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तब ना हमको भरोसा होगा कि तुम अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। अरे चचा आप अपना पैर पे खड़ा होने का बात कर रहे हैं, ये लीजिए खड़ा हो गए हम, और अब देखिए अब हम अपना पैर पर बैठ भी जाएंगे, आप तो खाली खड़ा होने का बात किए ना, हम अपना पैर पर बैठ भी सकते हैं, और अगर कहिएगा तो आपका गोदी में भी बैठ सकते हैं आकर, बोलिए बैठ कर दिखाएं। अरे नहीं नहीं तुम जहाँ बैठा वहीं बैठे रहो। भाई साहब आपका लड़का तो बहुत बकबक करता है, काम तो कुछ करता नहीं है, तो कैसे आप इसका रिश्ता लेके हम लोग के यहाँ आए हैं? कुछ काम करता होता तब ना आप हम लोग के यहाँ रिश्ता लेके आते, जब आपका लड़का कुछ काम ही नहीं करता है, सामने से बोल रहा है हम कभी कुछ नहीं करेंगे, दहेज लेंगे उसी से खाएंगे पिएंगे, तो फिर कैसे आप का ही नहीं बोलते अपना लड़का को कुछ भी घर पे? अरे भाई साहब देखिए आज का जमाना में कहते हैं ना कि लड़की और लड़का बराबर होता है, दोनों में अंतर नहीं होता है, ये बात तो आप भी मानते हैं ना? अरे हाँ हाँ हम मानते हैं इस बात को, और सबको ही मानना चाहिए कि लड़का लड़की में अंतर नहीं होता है। तो एक बात बताइए भाई साहब, आपकी बचिया कोई काम करती है? अरे नहीं करती है, ये काहे करेगी, हम काम करते हैं ना, हम पैसा कमा के लाते हैं, ये खाती है बैठ के,
अरे तो भाई साहब सेम वैसे ही हम कमा के लाते हैं और मेरा बेटा बैठ के खाता है और टाइम पास करता है। तो देखिए दोनों में कोई अंतर है नहीं है ना। तो जब आप बिना काम वाली लड़की का रिश्ता लेके हमारे पास आए हैं तो हम कुछ बोले नहीं ना बोले। तो जब हम बिना काम वाला लड़का का रिश्ता लेके आपके पास आए तो आप क्या बोल रहे हैं। जब दोनों में अंतर ही नहीं है तो ये तो परफेक्ट कपल बनेगा ना। अरे ऐसा नहीं होता है, पैसा तो लड़का कमाएगा ना। अरे तो फिर अंतर का बात ही क्या करते आप। जब लड़का को पैसा कमाना चाहिए तो काहे लड़की नहीं कमा सकता है, लड़का खाना बनाएगा घर पे बैठ के। काहे कि हमको अपना बचवा लोग से उम्मीद भी नहीं है कि ये लोग पैसा कमा पाएगा। ये लोग सारा जिंदगी भीख मांग के खा लेगा लेकिन पैसा नहीं कमाएगा। आपका लड़की कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। अरे पापा 2 करोड़ रुपया देंगे ना दहेज में तो ब्याज में लगा के खाएंगे ना, कमाने का क्या जरूरत है। साल का लगभग 8-10 लाख रुपया तो मिलेगा ना, खाएंगे दबा के, क्यों काला कर दूं। अरे बेटा दोगला 2 करोड़ हमको मिलेगा, तुम कहेगा उसका ब्याज खाएगा, उसका जो भी ब्याज मिलेगा हम खाएंगे और पापा अपना जो कमाएंगे उसका खाएंगे। तुम जब शादी करोगे तुमको जब दहेज मिलेगा उसका पैसा से तुम खाना, और तब तक के लिए पापा तुमको खिलाएंगे ठीक है। हम पैसा नहीं देंगे बता दिए। क्या तुम पैसा हमको नहीं देगा, हमको 1 रुपया भी नहीं देगा तो ये शादी कैंसिल करो। नहीं होगा यहाँ पे कोई भी शादी, अगर करना है शादी तो हमारे साथ करवाइए इस लड़की का, ये क्यों करेगा, हमको दहेज मिलना चाहिए। अरे बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुमको शादी ना करना है जी, तुम्हारा शादी हम करवाएंगे और तुमको हम 4 करोड़ रुपया देंगे, बोलो करोगे। फिर तुमको 15-16 लाख रुपया ब्याज मिलेगा, तुम वो बैठ के खाना। अरे क्या चाचा आप हमको 4 करोड़ रुपया दीजिएगा, यानी कि आपके पास दूसरी लड़की भी है। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो, हमारे पास दूसरी लड़की भी है, हम क्या लड़की का खेती खोल के रखे है क्या। बोलो आपकी दूसरी लड़की भी है, ऐसे पूछा जाता है। हमारी छोटी बचिया उसका बात कर रहे, करोगे ब्याह उससे, रचाओगे। हमारी बचिया बहुत खूबसूरत है, वैसी लड़की तो तुम अपना जीवन में नहीं देखे होगे, उसका नैन नक्शा देखोगे ना तो तुम बेहोश हो जाओगे। अरे क्या बोल रहे चाचा, लड़की मस्त है आपका तो बुलाइए ना, लड़का बैठा है लड़की को बुलाना ना चाहिए, कितना इंतजार करवाइएगा, हाँ बुलाइए 4 करोड़ रुपया भी लाइए। देखा रे काला कलूठा, आ रही है मस्त लड़की हमसे शादी करने के लिए 4 करोड़ रुपया लेके, तुम 2 करोड़ रुपया लेके स्टेशन के बाहर में बैठ के भीख मांगना, और हम तो अपना 4 करोड़ रुपया से ब्याज नहीं खाएंगे, हम तो 4 करोड़ से बैंक खोल देंगे और पब्लिक लोग का पैसा भी ले आएंगे बैंक में। फिर नेता लोग से मेरा सेटिंग रहेगा, वो लोग बोलेगा हम ले आएंगे उसको ले आएंगे, हम अपना विदेश में घूमेंगे, हमको तो मजा आ जाएगा ढिचिक ढिचिक। अरे बेटी बस सूरत अंदर से जाके छोटी बेटी खूबसूरत को लेके आओ। अरे क्या बोल रहा है चाचा काला कद्दू, तुम्हारी होने वाली पत्नी को बोल रहा है बदसूरत और जिससे हमारा शादी होगा उसको बोल रहा है खूबसूरत, समझ लो। गया बेटा तुम्हारा पता कट गया, पहले ही बोल रहे थे हमसे पंगा नहीं लेना, हो गया टाइ टाइ फिश। देखो गोरा कद्दू तुम्हारी खूबसूरत लड़की आ गई, रखो अपनी खूबसूरती अपने पास, अब तुम्ही शादी करना इससे, काहे कि इतना ज्यादा खूबसूरती हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे लिए बदसूरत ही ठीक है। तभी तो तुमको 4 करोड़ रुपया मिला है, कम से कम पैसा से तो ऐश कर पाएगा तुम, और हम तो सोच रहे हैं उस 4 करोड़ से तुम अपनी पत्नी के ऊपर फिल्म बना देना, मस्त फिल्म चलेगा, लोग भी देखेगा कितनी खूबसूरत पत्नी है गोरा कद्दू की। रुको पूछते हैं तुम्हारे ससुर जी से कि उनका बचिया का नाक कहाँ है। चाचा आपका बचिया का नाक नहीं है, बीच में एक तो काला सा छेदा है, उससे क्या है वो डबल मुंह है क्या। अरे वही तो नाक है, देखे नहीं ना ऐसा नाक कभी, हम बोले ना हमारी छोटी बचिया बहुत ही खूबसूरत है इसीलिए उसका नाम ही हम खूबसूरत रख दिए। क्यों रे बेटा गोरा कद्दू कैसी लगी तुमको अपने होने वाली पत्नी, झक्कास है ना बोले तो। अरे चाचा बहुत खूबसूरत है आपकी बचिया, आपकी बचिया का आग का पुतला नीचे आ गया घसक के, अब तो आपकी बचिया 360 में देख सकती है, और नाक का जरूरत क्या है, भगवान 2 चीज दिए सांस लेने के लिए, नाक नहीं है तो क्या हुआ, बिना नाक के बहुत अच्छी लग रही है आपकी बचिया। और कभी घोड़ा कद्दू से कोई गलती हो गया तो आपका बचिया ये भी नहीं बोल पाएगी कि तुम हमारा नाक कटवा दिए, ससुर का नाती आपका बचिया का नाक ही नहीं है साला। अच्छा होता कि अगर कान भी नहीं होता, टकली भी है कान भी नहीं होता नाक भी नहीं है, अरे क्या मस्त खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती के लिए तो आप 4 करोड़ के 40 करोड़ दे वो भी लगता है कम है, इतनी बढ़िया खूबसूरत लड़की के लिए आप पैसा क्या दे रहे हैं। गोया कद्दू तो बिना पैसा के रेडी है, वो 4 करोड़ हमको दे दीजिएगा, काहे कि संभाल नहीं पाएगा ना, पत्नी के ख्याल में खोया रहेगा बेचारा, इधर उधर भटक रहा होगा। अरे साले मार कर दे तोड़ देंगे तुम्हारा काला कलूठा, और तुम रे बुढ़ा उल्टा सीधा नाम लगता है लड़की लग का, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो, जो खूबसूरत है उसका नाम बदसूरत रखा है, जो बदसूरत है उसका नाम खूबसूरत रखता है, नाक नहीं है लड़की का आँख नीचे लटक रहा है, तुम साले काला कलूठा तुम उससे शादी करो, समझा रे बुढ़ा अपना बचिया का शादी इससे करवा देना,
चाहता है, खूबसूरत का काला कल उठा से करवाना चाहता है। बुढ़ा कहीं का क्या समझ के रखा है हमको, हैं? क्या समझ के रखा है? तुमरा बचिया से हम शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर ले, हैं? कल को तुमरा बचिया का कभी आँख खराब हो जाएगा, डॉक्टर हमको दवा देगा आँख में डालने के लिए, तो हम कहाँ डालेंगे? इसका आँख तो नीचे लटक रहा है। और जब शादी करेंगे तो इसका मांग कहाँ भरेंगे? इसका तो मांग है ही नहीं, कुछ भी बना दिया है तुम। ऐसे कैसे हो गई तुमको ऐसी लड़की? अरे पागल, हमारे हाथ में थोड़ी ना है जो बोल रहे हो, कुछ भी बना दिया है, हम थोड़ी ना बनाया है। अब हो गई तो हो गई, तुम भी तो साले देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहे हो। तुमको दे रहे ना हम अपना बचिया 4 करोड़ के साथ, तो काहे फूटा नहीं दिखा रहे हो रे? अरे हमको पता था इस लोग का यहाँ पे भी शादी का रिश्ता होगा नहीं, ये लोग नाटक करेगा। इससे अच्छा है कि लास्ट में लड़ाई पीट हो जाए, हम निकल जाते हैं यहाँ से, काहे कि माहौल देखे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लड़ाई पीट हो जाएगा। समझ ले रे बुड्ढा, हमको शादी नहीं करना, अपना बड़ा बेटी का शादी हमसे करवा दो, भले 1 करोड़ रुपया दे देना। अरे हमको दिक्कत नहीं है, छोटा बेटी का शादी तब हम काला कद्दू से करवाएंगे। क्यों रे काला कद्दू, तुमको चलेगी ये छोटी लड़की हमरी? अरे नहीं चाचा, हम नहीं करेंगे, ये गोरा कद्दू के भाग्य में, काहे की खूबसूरत है ना, और गोरा कद्दू भी खूबसूरत है, और हम बदसूरत है, आपकी बड़ी बतिया भी बदसूरत है, हम लोग का मैच कर रहा है, इसका मैच इसके साथ कर रहा है, जिसका मैच जिसके साथ हो उसके साथ मैच कराना चाहिए, नहीं तो आदमी जल्दी हार जाता है। अरे तुम करो, हम नहीं करेंगे। अरे तुम दोनों चुप रहो, तमाशा लगा के रखा है, चलो यहाँ से। तुम लोग का शादी वादी करना नहीं, टाइम पास करता है, हम अपना काम धंधा छोड़ के तुम लोग का रिश्ता करवाने आए हैं, तुम लोग यहाँ पे आके नाटक करता है, चलो यहाँ से। ए भाई साहब, अपना छोटा बेटी को अपना घर पे रखिए, नहीं बनाना हमको इसको बहू अपना घर का। तुम क्या सोच रहे हो, छोटा बेटी का शादी नहीं करवाओगे अपना छोटा लड़का से, तो बड़ा लड़का से तुम्हारा हम अपना बड़ा लड़की का शादी करवा देंगे? हम बड़ा लड़की का भी शादी नहीं करवाएंगे तब, तुम्हारा इस बचुआ लोग का हमको जरूरत भी नहीं है, पीछे में लात मारेंगे, साला सब बाहर गिर जाएगा, उठा के ले जाएगा उसे। साले लोग को 6 करोड़ रुपया दे रहे कम लग रहा है, मारेंगे 1 लाख तो देह तोड़ देंगे, उठ के आ गया काम न दाम, आया ब्याह करेगा। हाँ ब्याह तुम्हारे चक्कर में साला हमारा भी शादी टूट गया, 2 करोड़ का नुकसान भी हो गया, तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं सुवर, जरूरी है तुमको शादी करना, कुछ दिन रुक नहीं सकता है, बहुत खुजली है शरीर में, आज तुम्हारा खुजली हम निकालते हैं। तो दोस्तों जब तक हम इसका खुजली निकालते तब तक आप लोग हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल काला कद्दू कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।